एमएलसी चुनाव ने बिहार के सियासी गठबंधन की गांठें खोल कर रख दी है। सिर्फ एनडीए में बवाल नहीं मचा है बल्कि कोहराम महागठबंधन में भी मचा है। आरजेडी ने अपने पत्ते खोल दिए, कांग्रेस को सीधा सीधा जवाब दे दिया कि आपसे सिर्फ दिल्ली का नाता है, राज्य की रिश्तेदारी वो लेफ्ट के साथ निभाएंगे। लेकिन तेजस्वी के इस दो टुक के बाद भी कांग्रेस का मोह महागठबंधन से खत्म नहीं हुआ है। उन्हें अभी भी भरोसा है कि आरजेडी के साथ मामला सेट हो जाएगा। एमएलसी सीटों को लेकर रिश्ते में आई खटास, कांग्रेस छोड़ लेफ्ट पर है आरजेडी को भरोसा। आरजेडी के दो टूक के बाद भी कांग्रेस को उम्मीद। हम लोगों ने तो पहले से ही प्रत्याशी जो है घोषणा हम लोग कर ही दिए हर जगह, जिसमें कि हमारे लेफ्ट पार्टियों के साथ जो है सहमति थी, हमने केंद्र में उनको सपोर्ट दे ही रखा है। एमएलसी सीटों को लेकर आरजेडी ने कांग्रेस को साफ साफ जवाब दे दिया कि हाथ का साथ दिल्ली के लिए है, बाकी बिहार का रिश्ता लेफ्ट के साथ निभाया जाएगा। लेकिन ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है, उसे अभी भी यकीन है, भरोसा है कि कांग्रेस के हाथ में लालटेन चलती रहेगी। भाई इलेक्शन के बाद ना हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान देखे हैं जो मेरा महागठबंधन है और हम इतने इतने सीट पर लड़ेंगे, तो वो बयान को उनको देख लेना चाहिए जो क्या दिए हैं। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय सोनिया गांधी निर्णय नहीं लेते हैं तो हम लोग कोई बयान नहीं देंगे। इधर कांग्रेस टकटकी लगाए हुए है कि कब लालू यादव से उसकी बात हो जाए। उधर उनके इस इंतजार पर विरोधी तंज कस रहे हैं। बीजेपी को तो लगता है कि आरजेडी ने कांग्रेस को घुटने पर बिठा दिया है। कांग्रेस को जो उसकी हकीकत है वो उसका आईना उनको तेजस्वी यादव ने दिखाया है। अब तेजस्वी यादव अपने बल पर कितना खड़ा हो पाते हैं ये आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल ने औकात बता दी है। अब कांग्रेस पार्टी को ये तय करना है कि एक नेशनल पार्टी कब तक राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पे चलती है। दरअसल महागठबंधन में कांग्रेस साइडलाइन हो रही है। माना जा रहा है कि वजह उपचुनाव है, जिसमें कांग्रेस ने जिन शब्दों के साथ आरजेडी पर हमला बोला था उसी की टीस अब तक है और इसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। और जिस तेवर से तेजस्वी जवाब दे रहे हैं उससे तो लगता नहीं कि आगे संबंधों में कोई सुधार होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।